सभी को जो हर साथी और राजस्थान में आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कसी, मैदान में आप और बीटीपी भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में यूं तो उदयपुर संभाग की 28 सीटें आदिवासी प्रभुत्वशाली मानी जाती है। हड़ौती और मेवात संभाग की कुछ सीटों को भी जोड़ लिया जाए तो करीब 35 से 40 सीटों पर आदिवासी मतदाता हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इस क्षेत्र में सभाएं कर चुके हैं। प्रदेश के डूंगरपुर जिले में सोम माही और जाखम नदी के संगम पर स्थित बनेश्वर धाम को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें राजस्थान ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भी अटूट श्रद्धा है। क्या रहता है चुनाव नतीजा, इसके लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां क्या रणनीति तैयार करती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में अवश्य लिखना। और ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल NH Point को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।